ध्यान दो इधर, अबे आपके साइलेंट, अब आपके विभाजन एल्गोरिथम बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाजन एक एल्गोरिथम का मतलब होता है, ध्यान दो, ये परिमेय है और कैसी है, ध्यान देना, ये आपके बाप, इसे आप महत्तम पे भी ज्ञात कर सकते हो, मतलब महत्तम समाप्त वर्ते कैसे होगा, ध्यान देना इधर, आपके 2 नंबर दिए हुए होंगे कोई से भी 2 नंबर, ठीक है, तो आप ध्यान देना इधर, सबसे पहले क्या है, आप हमें जो भाग वाली संख्या उसको ऐसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल, ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जो कंडीशन है आपकी भाग वाली उसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब जैसे मान लो आपको कोई भी 2 संख्या दे रखी हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ तो आता है आपके भाज्य, यहाँ आता है आपके भाजक, और यहाँ आता है आपके भागफल आता है, और नीचे जो बचेगा वो बचता है आपके शेषफल। तो आपका जो कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो, जो बड़ा नंबर है उसको तो दर्शाते हैं ए से, और जो छोटा नंबर है उसको दर्शाते हैं ए से, और जो आपका भागफल होता है उसे दर्शाते हैं क्यों से, मतलब क्वेश्चंस, अंग्रेजी में क्वेश्चंस बोलते हैं, इसलिए इसको क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है, प्लस शेषफल को दर्शाते हैं आर से, रिमाइंडर, अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए इसको दर्शाते हैं आर से, ठीक है। और जो आपकी परिमेय ये होती है, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर ये जो क्यों है आपका, यानी कि क्या है भागफल, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों का मान आपसे जीरो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यों बराबर क्या नहीं होना चाहिए, अगर हिंदी में याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, और इंग्लिश में याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, यहाँ तो आता है ए, ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे मिटा दो इसको, आगे समझ में, तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होगा। आप देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर दे देगा आपको, जैसे सवाल में दे दिया आपको 12 और 3 दे दिया, या आपको दे दिया 12 और 4 दे दिए, 12 और 2 दे दे, ठीक है, इसको आपको विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, और विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हल करोगे, मतलब जो बड़ा नंबर है आपके उसको तो क्या मानना है ए, और छोटा नंबर है उसको क्या मानना है भाजक। अब देखो यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे, बड़ा नंबर, कितना 12 बराबर, बी की जगह रखेंगे छोटा नंबर, कितना 2। अब देखो 2 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा, 6 × 6 = 12, और शेष कितना बचेगा 0, तो ये विभाजन एल्गोरिथम में इसका उत्तर आ जाएगा। और जो लास्ट वाला बी नंबर होता है, बी, ये जो बी होता है आपका, ये बी वाला नंबर, ये इसका क्या होता है, एचसीएल, क्या होता है एचसीएल। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसे अपन एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, एक उदाहरण इसमें थोड़ा